सब्जंक्टिव मूड, ठीक है। अभी बता भी दूंगा थोड़ा सा, क्या कर लिया ये, वी वन लगता है, बेस फॉर्म लगती है, फिर आगे ऑब्जेक्ट एडवर्ब ये सब तो होते हैं, सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है, यू गेट बंद कर दो, क्लोज द डोर, ये रहा, पता लग गया इंपेरेटिव मूड का सेंटेंस है, डायरेक्ट ऑर्डर है, किससे स्टार्ट होते हैं, वी वन से, एस लगा दिया तो गलत, वी टू लगा दी तो गलत, फिक्स है कि बेस फॉर्म ही लगेगी, इंपेरेटिव मूड का कोई सेंटेंस है तो बेस फॉर्म लगेगी, क्या ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट अंडरस्टूड है, सामने वाला किसको कहा है, गेट बंद कर दो, सामने वाले को, कौन है सामने, हमेशा यू तुम, ऐसे सेंटेंस का नरेशन सीखना है। हाँ सिंगुलर मतलब कोई कितने भी हो सकते हैं, उससे क्या लेना है, यू है बस, यू क्या आएगा नेक्स्ट, लिसनर की बात है ये, सेट टू किस में चेंज, अरे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा मैं कह रहा हूं मेहनत करो, क्या बोलोगे घर जाके, सर ने मुझे बताया है मेहनत करूं, सर ने मुझे क्या कहते हैं पूछा है मेहनत करूं, सर ने मुझे एडवाइस दी है, तो यहां क्या आएगा सेट टू को, और ordered and requested, क्या क्या सीखे, और तो बस क्वेश्चन में ही सीखेंगे यार, रूल वूल नहीं बताने, क्वेश्चन से पता लग जाएगा सब, कि कंजंक्शन इन्वर्टेड कोमा हटेगा तो मेन क्लोज ज्वाइन करने के लिए क्या लगेगा बीच में, वो क्वेश्चन में करते हैं, टेंस के रूल सब वही हैं, प्रोनाउन के सब वही हैं, वर्ड्स के वही हैं, ही सेड टू मी, पहले कह रहा हूँ इस वीडियो को देखने से पहले क्या कहते हैं, मूड की वीडियो देख लें अच्छे से, क्लोज द डोर, ही सेड टू मी क्लोज द डोर, बताइए मूड की वीडियो देख सकते हैं पहले आप, ठीक है बताओ नहीं बनाई बन जाएगी, यहीं रुक जाना आधा घंटा, ही सेड टू मी क्लोज द डोर, फंडामेंटल भी बनानी है, ही रिक्वेस्ट होगा तो प्लीज लगा मिलेगा, टेंशन लेने की, हाँ स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑर्डर का स्ट्रक्चर सीखो भी, ऑर्डर कोई लाइन है तो वो आगे कैसे बढ़ती है, ऑर्डर मी व्हाट, दो तीन बातें सिखाना चाहता हूँ मैं, कंजंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, सिंगल क्लोज में सेंटेंस खत्म हो जाएगा, बताओ क्यों, कंजंक्शन लगाने की जरूरत तब पड़ती है ना जब आगे सब्जेक्ट हो, दो क्लोज हो, आगे सब्जेक्ट नहीं है ना, सिंगल क्लोज में खत्म होएगा हमेशा, सिंगल क्लोज में खत्म हो जाएगा, आगे सब्जेक्ट ही नहीं है, और सब्जेक्ट कौन है, यू है, अंडरस्टूड, और वो यू कौन है, इसी से खत्म हो जाएगा। अब मैं तुम्हें एक बेसिक पे लेके चलता हूं इन्फिनिटिव के, आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, मुझे जल्दी से बताओ यहां पे टू प्ले फर्स्ट ऑब्जेक्ट बनकर बैठा है, ये क्या होती है, नॉन फाइनाइट वर्ब, नाउन वगैरह बनकर बैठ जाती है, वर्ब नहीं होती है, नाउन फर्स्ट ऑब्जेक्ट, एक सेंटेंस और लिखता हूं उसमें देखना सेकंड ऑब्जेक्ट बनकर बैठा है, ही आस्क्ड मी टू गो, ही अलाउड मी, पहले मी लगाना पड़ता है टू गो, ही रिक्वेस्टेड मी टू गो, सीधा टू गो नहीं, मैंने इसका रीजन बताया था, बताओ क्या, डिसाइड भी बताना फिर, हाँ डिसाइड में फर्स्ट ऑब्जेक्ट या सेकंड ऑब्जेक्ट बनकर बैठेगा ये, आई डिसाइडेड टू गो, इनमें सेकंड ऑब्जेक्ट है, ही आस्क्ड मी व्हाट, ही अलाउड मी व्हाट, ही रिक्वेस्टेड मी व्हाट, जल्दी से बताओ इन सेंटेंसेस में और इन सेंटेंसेस में डिफरेंस, देखो आई डिसाइडेड टू गो तो रटोगे, यू रटवा देंगे, अरे ये डाई ट्रांजिटिव है, ये सिंगल ट्रांजिटिव है, अरे डाई ट्रांजिटिव क्या घर से है तुम्हें लग रहा है बस है, यूं पता तो वो तो असली के नाउन में पता लग जाता है डाई ट्रांजिटिव का, जैसे मैंने बोला ही गेव मी, गलत है मुझे दे आया, गलत है, ही गेव मी अ पेन, ही लेंट मी, उसने मुझे उधार दे दिया, ही लेंट मी, इसे ले जा, ही लेंट मी बेकार लग रहा है, ही लेंट मी सम मनी, असली वालों में पता लग जाए, यहां मत क्या करो ये डाई ट्रांजिटिव है, ये तो इतना भी सही लग रहा है, आई आस्क्ड हिम, ये तो इतना भी सही लग रहा है, ठीक है क्या,
आई आस्क्ड हिम, ये तो इतना भी सही लग रहा है, ही रिक्वेस्टेड मी, डाई ट्रांजिटिव कहने की बात है, इसमें कॉन्सेप्ट लग रहा है, क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है? यहां देखो सिंपल से नाउन है पेन मी, इधर देखो ये मान लिया नाउन है, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये सेकंड ऑब्जेक्ट, बट कहीं ना कहीं वर्ब भी तो है, किसी को तो करनी पड़ेगी, अगर मैं ये हिम ना लगाऊं क्या दिक्कत हो जाएगी? आई कोई पूछना पड़ेगा और आई कोई जाना पड़ेगा, ये क्या पागलपन है? तो बीच में वो आदमी लगाओ जिसको जाना है। हाँ अगर ऐसे करूं, जाना भी खुद है, अलाउ भी किसको कर रहा है? अरे बीच में एक आदमी लगाओ, ठीक है, तो वो इस वर्ब का क्या बन जाएगा? नॉन फाइनाइट वर्ब क्या कहते हैं? हमें कोई डूअर दे दो, कोई तो डूअर दो, तो ये दे दिया भाई, पर लिखेंगे ऑब्जेक्टिव केस में, नहीं तो डूअर आई होता है, सब्जेक्ट होता है डूअर, लिखेंगे ऑब्जेक्टिव केस में, क्यों? क्योंकि इस वर्ब के लिए तो दोनों ऑब्जेक्ट हैं, बस इतनी सी बात है। तो ये स्ट्रक्चर कैसा बनने जा रहा है बताओ? क्या बनेगा स्ट्रक्चर? ही सिंगल क्लोज में आंसर लाएंगे, फिर दो क्लोज में भी आंसर लाएंगे। ही ऑर्डर्ड मी, देखो ये बंद किसने करना है? कौन है सब्जेक्ट? कौन है? और वो यू कौन है? यही मिलेगा हमेशा। अब कितने भी सेंटेंस सोल्व कर लो, तुम कितने भी सेंटेंस सोल्व कर लो, यहां क्या होगा? लिसनर, और वो कौन होगा? स्पीकर, लिसनर, हमेशा यही होगा। तो इसी से काम करवा दो जो करवाना है सिंगल क्लोज में ही। नया सब्जेक्ट ही नहीं है तो हम क्यों पंगे ले? देखो नया सब्जेक्ट हो तब तो डैट लगा के नया सब्जेक्ट लिखो। किससे काम करवाना है? हमेशा इधर हमेशा कौन रहेगा? यू, और यू कौन रहेगा हमेशा? ये, तो इसी से काम करवा दो, एक ही लाइन में खत्म। ही ऑर्डर्ड मी सिंगल क्लोज में खत्म। सिंगल क्लोज क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि इसे वर्ब नहीं गिनते, नाउन बना वो, या नाउन या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट या सेकंड ऑब्जेक्ट बनकर बैठा है। ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये सेकंड ऑब्जेक्ट, और ये नाउन बनकर बैठा है, पर है तो बचपन से वर्ब ही। नॉन फाइनाइट वर्ब क्या कहती है? हम नाउन तो है ही पर वर्ब तो है ही, नॉन फाइनाइट वर्ब, नाम ही वर्ब है, आगे वर्ब वाले काम। ये डोर इसका ऑब्जेक्ट क्लोज, बट ये इसका ऑब्जेक्ट, क्योंकि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या कहती है? हमें सीमित मत करो, हम नाउन है, एडजेक्टिव है, तो भाई उसी की जगह पर आ, पर आगे काम किसके? वर्ब वाले, साउंड वर्ब की आनी आनी है, टू क्लोज द डोर। तो ये बन गया एक आंसर। एक आंसर और बनाओ, अब एक आंसर सुनते रहना, दो क्लोज में आंसर चाहिए मुझे। डैट वगैरह लगेगा, क्योंकि डैट क्यों लगेगा? क्योंकि आगे जो है सेंटेंस कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहा, क्वेश्चन पूछता है तो इफ लगता है, नहीं तो वेदर लगता है, नहीं तो हमेशा डैट लगता है, नाउन क्लोज। बताओ जल्दी, कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई नहीं है, डैट क्लोज से बना दो। अब दो क्लोज में आंसर कैसे आएगा? ध्यान से देखो, ऑर्डर्ड मी बट, अब सुनो, प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड देख लेना, मैंने क्या बताया था? प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड, इंपेरेटिव मूड और प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड में डिफरेंस। इंपेरेटिव मूड क्या कहता है? इट एक्सप्रेसेस डायरेक्ट ऑर्डर। प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड, इट एक्सप्रेसेस इनडायरेक्ट ऑर्डर, इनडायरेक्ट एडवाइस, इनडायरेक्ट रिक्वेस्ट। जैसे ही पहचान लिया ये सेंटेंस तो भाई प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड का है। वर्ब की कौन सी फॉर्म? बेस फॉर्म ही लगती है इसमें भी और उसमें भी, तो बेस फॉर्म लगेगी। अब मैं दोबारा सिखाता हूं, तुम्हें ऐसे नहीं समझोगे तुम। आ रहा है यहां, ये आ रहा है। ही टोल्ड मी डैट आई डैश द डोर, एक क्वेश्चन ये है, और एक है ही ऑर्डर्ड मी डैट आई डैश द डोर। ऑप्शन है क्लोज, closes, closed। दुनिया में कोई भी सेंटेंस है ना वो मूड का है, ठीक है? मूड एक होता है इंडिकेटिव मूड, एक होता है इंपेरेटिव, एक होता है सब्जंक्टिव। मूड में चेक कर लेना। ऊपर वाले अगर मैं सेंटेंस की बात करूं, वो इंडिकेटिव मूड है। इंडिकेटिव मूड होता है सच, फैक्ट। जैसे मैंने बोला आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं, ये फैक्ट है। फैक्ट है तो वर्ब की फॉर्म। मूड में पता क्या होता है? सेंटेंस पहचानो किस मूड का है। पहचान लिया, फिर करा क्या? पहचान के उसमें वर्ब की फॉर्म लगा दो। मूड क्या है? वर्ब की फॉर्म। आई प्ले क्रिकेट, पहचान लिया कौन सा मूड है? फैक्ट, तो वर्ब की फॉर्म लगा दो। कौन सी लगानी होती है इंडिकेटिव मूड में? इंडिकेटिव मूड एक्सप्रेसिस फैक्ट। कौन सी लगानी होती है? टेंस के अकॉर्डिंग। आई है तो प्ले, ही है तो
प्लेस टेंस और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इंपेरेटिव मूड, इट एक्सप्रेसिस डायरेक्ट ऑर्डर, आपने पहचान लिया रे ये सेंटेंस तो डायरेक्ट ऑर्डर का है, हमेशा लगाओ वी वन। नेक्स्ट सब्जंक्टिव मूड, ये होता है प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड। इट एक्सप्रेसिस इनडायरेक्ट ऑर्डर, अगर आपने पहचान लिया अरे ये सेंटेंस तो इनडायरेक्ट ऑर्डर है, इनडायरेक्ट एडवाइस है, डायरेक्ट नहीं है, वर्ब की फिर से कौन सी फॉर्म, फिक्स है, इन दोनों में फिक्स है, पर इनमें टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। अब ऊपर आओ, ही टोल्ड मी, ही ऑर्डर्ड मी, कौन सा मूड है, उसने मुझे बताया, उसने मुझे ऑर्डर दिया, ये सच है, सच में दिया है, इंडिकेटिव, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म लगी हुई है, अकॉर्डिंग टू टेंस, कल दिया था, पर आगे बढ़ो, उसने मुझे बता दिया था कि उसने गेट बंद कर दिया था, तो असली में कर दिया था, मेन क्लॉज पास्ट में है, तो ये भी किस में हो गया, टेंस के अकॉर्डिंग, पास्ट में, इंडिकेटिव मूड है, क्योंकि कल ही बंद किया था, असली की बात है। पर अगला हो, ठीक है, नेक्स्ट देखो, ही ऑर्डर्ड मी डेट आई डैश द डोर, यहां क्या आएगा, इधर तो इंडिकेटिव मूड ही है, अब वो वाली हिंदी ला के दिखाओ जो ऊपर लाई थी तुमने, उसने मुझे बताया था कि मैंने गेट बंद कर दिया था, बड़ा अच्छा लग रहा है, इधर देखना, उसने मुझे ऑर्डर दिया था कि मैंने गेट बंद किया था, या ये हिंदी आ रही है, उसने मुझे ऑर्डर दिया था कि मैं गेट बंद कर दूं, है करूं, तो ये फैक्ट नहीं होता, फैक्ट होता है करता हूं, करता था, कर दिया था, करूं, तो ये है। इनडायरेक्ट ऑर्डर कैसे है ये पता नहीं लग रहा तुम्हें, डायरेक्ट ऑर्डर तो वी वन से होता है, गेट बंद कर दो, ये तो कोई और सुना रहा है ना अपनी वर्डिंग में, ही ऑर्डर्ड मी, ये तो इनडायरेक्ट है, साफ ही दिख रहा है, लिख भी रखा है, वहां लिख ही नहीं रखा था, इनडायरेक्ट ऑर्डर है। जैसे या तो हिंदी कर लो, करो, हिंदी नहीं करनी तो साफ साफ क्या लगा दो, देख लो, अरे ये तो ऑर्डर लिख रखा है, इनडायरेक्ट है, फिर तो कोई और सुना रहा है, तो साफ साफ समझ लो प्रेजेंट सब्जंक्टिव मूड का सेंटेंस है, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, वी वन, कहाँ लगानी है, यानी ये तो फैक्ट है, इधर आ रही है वो हिंदी, इधर लगानी है, क्या आएगा, आई क्लोज द डोर,